नहीं, वहां इनको अकेले ही जाना है। ये पूजा इन्हें एकांत में करनी है। अरे आरु अर्हन, बेटा तैयार हो जाओ। और ये किस चीज का गाड़ी बना के चला रहे हो? ये मेरी न्यू कार है और मैं इससे खेल रहा हूँ। कहीं वो एसडी कार्ड तो नहीं जो खैरा ढूंढ रहा था? लाओ बेटा मुझे दिखाओ। नहीं, मैं इससे खेल रहा हूँ। अरे दो, मैं कह रही हूँ दो। नहीं नहीं, दिखाओ। अरहन अरहन, ये बहुत जरूरी चीज हो सकता है। अरहान दिखाओ, अरहान, मैं कह रही हूँ दे दो, नहीं तो अच्छी बात नहीं होगी। अरे बाहर क्यों फेंक दिया, पागल हो गया है क्या? ये तो टूट गई है, जाकर सुधरवाने का कोशिश करती हूँ। अब हमारा ये रिचुअल कैसे पूरा करेंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये पूरा करना होगा। मेरी आरुषि की आत्मा की शांति के लिए मैं कुछ भी करूंगा। जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला है, उसकी पत्नी की आत्मा की शांति जरूर होगी। चलो विहान। भर के जाओ दिल ये सम
मैडम इसके अंदर का डेटा तो रिकवर हो सकता है, लेकिन सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा। काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। कितना समय लगेगी? शायद 2 दिन। नहीं 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 नहीं, 2 दिन नहीं, 1 दिन में करनी होगी। और देखो हो पाए तो बताओ, नहीं तो मैं 5वीं गली वाले मिश्रा जी के यहाँ से सुधरवा लूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं कोशिश करता हूँ ना। हाँ, 1 ही दिन में सुधार देना, मैं जल्दी में हूँ। ठीक है मैडम, समझ गई, हो जाएगा। ये दिल्ली में बिना बारिश का बरसात कैसे शुरू हो गया, वो भी विहू और कायरा का शादी के दिन। हमने तो घर के बाहर शामियाना में शादी प्लान की है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एक तो ये लाल घूंघट वाली ने परेशान कर रखा है, उस पर ये मुसीबत। ये लाल घूंघट वाली मिल जाए ना तो मुंह नोच लूं मैं इसका। विहान जी, आपने इस बेमौसम की बरसात में भी इस संस्कार को पूरा किया, ये इस बात को सिद्ध करता है कि आप दोनों की जोड़ी अनंत काल तक स्थायी रहेगी। भगवान इंसान के जीवन में 2 अवसर देता है, उन भाग्यशाली इंसानों में से आप भी एक ही हो। आपको दूसरी बार भी इतना अच्छा जीवन साथी मिला। दोनों कक्ष में प्रवेश कीजिए और भगवान की आरती कीजिए। इस बार मेरा वार खाली नहीं जाएगा। कहाँ गए दोनों? हेलो, आ जाइए आप लोग। इंस्पेक्टर साहब, वो अंदर कैद है। हमारा प्लान कामयाब हो गया। मुझे पता था कि वो हम दोनों को अकेला देख हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, और वही हुआ। वो हम पर अटैक करने आई थी। अब अपनी उसे पकड़ लीजिए। नहीं अंदर। लेकिन आप लोग तो अंदर थे ना, फिर वो अंदर कैसे फंसी रह गई? इंस्पेक्टर साहब, इसके पीछे भी एक और कक्ष है, हम वहीं से बाहर निकले और यहाँ का दरवाजा बंद कर दिया। वो अंदर सिर्फ लाल घूंघट वाली है और कोई नहीं अंदर। हमारा प्लान कामयाब हो गया, हमने उस लाल घूंघट वाली लड़की को पकड़ लिया है। ये लीजिए। क्यों तू इधर आ जा बेटा? शर्म नहीं आया तुम्हें? ताइमा, एक मिनट ताइमा, मैं बात करता हूँ ना आप लोग की। मिली, तुम हमें नुकसान पहुंचाना चाह रही थी। तुम तो सोच भी नहीं सकता कि तुम हमारे साथ ऐसा कर सकती हो। नहीं, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है, मैं वो लाल घूंघट वाली नहीं हूँ। पंडित जी प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं तो यहाँ पूजा करने आई थी। विश्वास कीजिए जी, जो मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें क्या लगती है हम तुम पर विश्वास कर लेंगे? कितना भरोसा किया था तुम पर, सिर्फ इसलिए कि तुम हमारा आरुषि का बहन हो। लाल घूंघट वाली,
क्या घूंघट खोलो। डॉली आंटी आप? आप वो लाल घूंघट वाली लड़की है? नहीं नहीं कारा, लाल घूंघट वाली मैं नहीं हूँ। मैं तो बस ये रास्ता अपनाया बस टिंकी को खोजने का। मैं नहीं हूँ वो लाल घूंघट वाली लड़की। टिंकी ने ना मुझे फोन किया था, तो मैंने उसका नंबर ट्रेस कर लिया, और जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा वो लाल घूंघट वाली टिंकी को लेके पता नहीं कहाँ जा रही थी। सनी कह रहा था कि मैं मंदिर के वो पास वाले जंगल में जाऊंगा, उसको ढूंढ के लेके आऊंगा। It's okay. कौन है ये लाल घूंघट वाली? इस बात का पता मुझे भी लगाना है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लाल घूंघट वाली लड़की जो कोई भी है वो हम सबको बहुत अच्छी तरह से जानती है, और इस वक्त मेरा शक सिर्फ एक ही इंसान की तरफ जा रहा है जो उस वक्त मंदिर में मौजूद थी। तुम ही हो ना मिली? वो लाल घूंघट वाली लड़की। What's wrong with you, Kara? डॉली आंटी ने अभी कहा कि वो लाल घूंघट वाली लड़की पिंकी को अभी खींच के लेके गई, और तुम ही उस वक्त मौजूद थे। बोलो। Kara, just stop it. बस इसी बात का डर था मुझे। इसीलिए मैं आपके साथ आपके घर में नहीं रहना चाहती। मिली मेरी बात को समझ। तुम सोच भी कैसे सकते मैं किसी को नुकसान पहुंचा सकती हूँ? पूरे परिवार को खोने का दुख सा है। जान से भी ज्यादा प्यारी दीदी को खोने का दुख सा है। मुझे पता है कि दुख क्या होता है। मैं किसी और को दुख कैसे पहुंचा सकती हूँ? अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। मिली है मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिली मेरी बेटा, तुम गलत समझ रही हो। हालात ही कुछ ऐसे थे कि सबको शक हो गया। लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम इस घर को छोड़कर जाओ। वैसे भी ये घर तो तुम्हारा ही है ना? नहीं दादी, मैं ऐसे यहाँ नहीं रह सकती। आपका और मेरा रिश्ता ही क्या है? आरुषि दीदी के मरने के बाद मेरा और आपका रिश्ता भी खत्म हो गया ना। और अब तो वैसे भी बेहाल जी जो कायरा के साथ शादी कर रहे हैं, तो वो रिश्ता तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही है बेटा? तो हमारी आरुषि की बहन है, और आरुषि हमारी बहू नहीं बेटी थी। इस नाते तू भी तो बेटी हुई ना फिर? हाँ, मैं उस आरुषि दीदी की बहन जिसने आप सब लोगों के लिए अपनी जान दी थी। और अब उसी की आत्मा मुक्ति के नाम पर आप उनसे रिश्ता तोड़ रहे हैं। आरुषि दीदी की बात कर रहे हैं ना? तुम कहीं नहीं जा रहे, प्लीज अपना सामान अंदर रख दो। तुम आरुषि दीदी की बहन हो, इस परिवार की एक बेटी हो। हम सब चाहते हैं, इनफैक्ट मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम कहीं ना जाओ, क्योंकि जितनी जरूरत तुम्हें हमारी है
उतनी हम सबको भी तुम्हारी जरूरत मिली। बेटा इतना दुखी मत हो और समझने का कोशिश करो कि जो कुछ भी हो रही है आरुषि का आत्मा की भलाई के लिए हो रही है। हम बहुत प्यार करते हैं बेटा, तुमसे मत जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी बेटा। मिली प्लीज मत जाओ। मिली आरुषि दीदी की बहन हो ना, तो क्या तुम मेरी बहन नहीं बनोगी? मुझे आरुषि दीदी की बहुत याद आती है कायरा, मुझे उनकी कमी हर पल महसूस होती है। आरुषि दीदी की कमी तुम्हें महसूस नहीं होने दो। तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस, तुम्हारी बहन हूं ना, बस एक मौका दे दो। अब आखिर ये लाल घूंघट वाली लड़की है कौन? आई होप वो डॉली आंटी की बेटी पिंकी को नुकसान ना पहुंचाए। इंस्पेक्टर साहब, बस आप कुछ भी करो, बस किसी तरह से ना मेरी कुड़ी को ढूंढ लो। आप चिंता मत कीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है। हाँ जी आंटी, बिल्कुल। ये कहाँ आ गए इंस्पेक्टर साहब? ये जंगल है, यहाँ हम कोशिश करते हैं ढूंढने की, शायद कुछ मिल जाए। हमने पूरा जंगल छान मारा है और जंगल के बीच में गोडाउन यहाँ पर नहीं होगी। आप चलिए मेरे साथ। पिंकी, पिंकी। मैडम आप चलिए। इंस्पेक्टर साहब बस आइए, बस आप किसी तरह से मेरे। आप चिंता मत कीजिए मैडम। आप हाँ हाँ मैं ला रही हूँ। मैंने वो ध्यान का है, वो तो तुम्हारे दोस्तों के साथ गया है बैचलर पार्टी के लिए। What? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अरे आ जाएगा बेटा, परेशान होने वाला क्या बात है। God, ताइम आपको नहीं पता मेरे दोस्त बहुत अजीब और वाइल्ड है, कुछ भी कर सकते हैं। क्या करूं? अरहान अरुण इधर आओ, पापा को फोन लगा के दो ना, थोड़ा जल्दी। हेलो 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 विहान, तुम कहाँ हो? तुम ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए? अरे मैं अपनी मर्जी से थोड़ी आया हूँ कायरा, तुम्हारे दोस्त मुझे जबरदस्ती ले आए। विहान आवाज नहीं आ रही है, म्यूजिक बंद करो। हेलो कायरा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो। हेलो हेलो विहान, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा दूर जाके बात करो। हेलो अरे कायरा व्हाट्सअप, रोहित तुम विहान को क्यों लेकर गए? कम ऑन कायरा, आज की रात उसे एंजॉय कर ले दो, वैसे भी तुम्हारी शादी उससे कल हो रही है, उसके बाद कहाँ एंजॉय कर पाएगा बेचारा। लुक रियान ड्रिंक नहीं करते, तुम प्लीज उन्हें यहाँ भेज दो। डोंट वरी, हम उसे नहीं पिलाएंगे। रोहित तुम रोहित का कॉल होगा, दो। हेलो रोहित, तुम हेलो। तुम्हें क्या लगता है कायरा कि तुम जीत जाओगी? हाँ नहीं कायरा, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, और जब मैं हार मानूंगी ही नहीं तो तुम जीतोगी कैसे? कौन हो तुम? हाँ हेलो हेलो, मैंने तो तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए फोन किया है कि मैं आज रात तुम्हारे पति के साथ सोने वाली हूँ। Who the hell are you? हेलो